मस्तानी लागे माने मीठो मीठो सरयू जीरो
राम जी की प्यारी रज धनी लागे, रज धनी लागे, मन मिठू मिठू सरयू जी पानी लागे। करके सब पी करके हरि रस को जन राजेश रहे नित निर्भय, जन राजेश रहे नित निर्भय, फिक्र कहो क्या उसको जिसको माता पिता रघुराज सिया महारानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रज धनी लागे, रज धनी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। बोल अयोध्या धाम की। तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज तीन विवाह, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा, महारानी केकई। एक बार गुरु माता ने अरुंधति ने वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज आपके शिष्य है दशरथ जी और अभी तक उनके घर कोई पुत्र नहीं है। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा देवी लाल के लिए लालसा भी तो चाहिए, दशरथ जी के मन में कोई लालसा ही नहीं है। तो गुरु माता ने कहा ये काम तो मैं कर दूंगी। तो दशरथ जी गुरुदेव बोले फिर आशीर्वाद हम दे दें। तो एक दिन गुरु माता अपने पुत्र को गोद में लेकर के राजभवन में गई और सबकी नजर बचा करके उन्होंने उसको चिकोटी काट दी, चूंटी। बालक रोया, जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो दशरथ जी ने कहा गुरु माता भूखा है कि कुछ मांग रहा है, दे दो इसको, क्या कह रहा है? बोले नहीं बस ऐसे ही रो रहा है। अरे कोई तो कारण होगा। तो गुरु माता ने कहा कि महाराज ये बच्चा इसलिए रो रहा है, ये कह रहा है कि सूर्य वंश के समस्त राजाओं के गुरु तो मेरे पिता महाराज वशिष्ठ रहे, लेकिन मैं किसका गुरु बनूंगा, दशरथ जी के तो कोई पुत्र ही नहीं, मैं किसका गुरु बनूंगा। अब बात छोटी थी पर असर कर गई। दशरथ जी महाराज उसी दिन गुरु जी के पास चले गए। देखो वास्तव में परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन ये कृपा के बिना काम चलता नहीं। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। ये निराशा निशा नष्ट हो